भगवान राम ने भी एक घोर पाप किया था। दोस्तों, भगवान राम को श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्रभु श्री राम अपने वचन के बहुत पक्के थे। आपने श्री रामचंद्र जी के मुख से यह कहावत भी सुनी होगी कि प्राण जाए पर वचन न जाए। इसका अर्थ है कि भले ही प्राण क्यों न चले जाएं, लेकिन किसी को दिया हुआ वचन नहीं टूटना चाहिए। प्रभु श्री राम ने भी एक बार एक स्त्री के साथ दुर्व्यवहार किया था और उसकी हत्या कर दी थी, जो कि क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है। क्षत्रिय धर्म के अनुसार कोई भी योद्धा किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं चला सकता। इसके बावजूद प्रभु श्री राम ने अपने क्षत्रिय धर्म का अपमान करते हुए उस महिला का वध कर दिया। आखिर उस महिला की ऐसी क्या गलती थी कि जिसके कारण स्वयं प्रभु श्री राम उसको माफ नहीं कर पाए? दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में धरती पर असुरों का बहुत अत्याचार हुआ करता था। वह सबसे ज़्यादा ऋषि मुनियों और पंडितों को परेशान करते थे, उनके यज्ञ को भंग कर देते थे। यहाँ तक कि कई बार तो यह राक्षस इन ऋषि मुनियों की हत्या भी कर देते थे। तब प्रभु श्री राम ने राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अयोध्या में जन्म लिया। फिर जब प्रभु श्री राम बड़े हो गए, तब उन्होंने अपने वह कार्य पूरे करने शुरू कर दिए जिन कार्यों के लिए उन्होंने धरती पर जन्म लिया था। प्रभु श्री राम ने बहुत सारे राक्षसों का वध किया और कई श्रापित मनुष्यों को मुक्त किया। जब ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के महल में श्री रामचंद्र जी के और उनके भाइयों को शिक्षा दे रहे थे, तब किसी व्यक्ति ने अगस्त ऋषि से बताया कि तुम्हारे यज्ञ की रक्षा रामचंद्र जी कर सकते हैं। फिर अगस्त ऋषि विश्वामित्र की कुटिया पर आ गए और अपना दुख बताने लगे। फिर विश्वामित्र ने अगस्त ऋषि का दुख सुनने के बाद ये फैसला किया कि आज से रामचंद्र जी ही तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करेंगे। रामचंद्र जी ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। फिर अगले ही दिन अगस्त ऋषि ने अपना यज्ञ शुरू कर दिया। यज्ञ की रक्षा करने के लिए श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। यज्ञ के दौरान वहां एक राक्षसों की टोली आ पहुंची, जिसे राम और लक्ष्मण ने अपने पराक्रम से मार भगाया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहां एक विशाल कुरूप दिखने वाली राक्षसनी आ पहुंची। अब राम और लक्ष्मण बड़ी सोच में पड़ गए कि हम इसे कैसे मारें। लेकिन वो राक्षसनी तो अगस्त ऋषि का यज्ञ भंग करने का प्रयत्न करने लगी। अब राम जी उस पर शस्त्र भी नहीं चला सकते थे, क्योंकि वह एक स्त्री थी। तब बहुत देर परेशान होने के बाद ऋषि विश्वामित्र ने राम जी को बताया कि यह ताड़का है। ताड़का सुकेतु यक्ष की पुत्री थी और इसका विवाह एक सुंद नाम के राक्षस से हुआ था। ताड़का दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी, लेकिन एक बार इसने अगस्त ऋषि का यज्ञ भंग कर दिया। तब अगस्त ऋषि ने गुस्से में आकर इसे एक विशाल राक्षसनी बनने का श्राप दे दिया। और इस समय यह एक राक्षसनी है, इसे मारना ही तुम्हारा धर्म है। तब प्रभु श्री राम विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर ताड़का का वध कर देते हैं। तो इसी प्रकार से रामचंद्र जी ने भी एक स्त्री का वध किया था, जो कि क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।